हाँ, जदयू के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रहे आरसीपी सिंह ने जदयू से इस्तीफा दे दिया है। आरसीपी सिंह ने शनिवार की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के माध्यम से पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अपने पैतृक गांव नालंदा के मुस्तफापुर में इस्तीफा देने की पेशकश करते हुए आरसीपी सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। गौरतलब है कि बेहिसाब जमीन खरीदने का मामला सामने आने के बाद सार्वजनिक तौर पर हो रही बदनामी के बाद पार्टी की ओर से आरसीपी सिंह से शोकॉज पूछा गया था। इस घटना से व्यथित आरसीपी सिंह ने कहा कि उनके साथ साजिश की गई है। नीतीश कुमार के पीएम बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसे 7 जन्मों में भी संभव नहीं है। आपको एक बार फिर से बता दें कि आरसीपी सिंह ने मीडिया के सामने इस्तीफा दे दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि उनके इस इस्तीफे से राजनीति पर क्या कुछ असर पड़ता है। इस पार्टी के लिए मैंने साजिश, मैंने बताया ना, 7.5 साल से एक बार मैं मंत्री बन गया। देखिए, ईर्ष्या और डाह और जलन का प्रकाश जी इस पृथ्वी पर कोई इलाज नहीं है, और बढ़िया चुनौती दी है उन्होंने। देखिए, मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ और मैं बता दूं, मैं तो बहुत इस पर सोच रहा था। जिस पार्टी के लिए मैंने हमारे कार्य करता, आज बूथ पर है, सब जगह है जी, रोज हमसे पूछता, सर आप कितनी रुपये शराब पीते हैं, बता दें जरा। अब देखिए, इस पर भी अब भाई दिल्ली से रहा गांव पर पहुंचा दियो। अब क्या बेइज्जत, मैंने सीमा होती है ना, अस्तर होता है किसी चीज का, मानवीय संवेदना भी कोई चीज होता है। किससे बुलवा रहे हो, किससे बात करा रहे हो, किस किस पार्टी का, पार्टी में बचा क्या है जी, इस पार्टी में कुछ बच गया है क्या? कार्यकर्ताओं का देखिए क्या हाल बना रखा है, साल भर से कार्यक्रम क्या है क्या, जिसके लिए हम बता रहे हैं लास्ट हमारा 4 जुलाई का प्रोग्राम था, क्या प्रोग्राम उसको अर्थ किया। देखिए, मैं इन सब चीज़ों पर करने के बाद प्रकाश जी मुझे लगा कि भाई, मैं सोचा कि भाई चलिए बहुत हो गया, अब मैं सीधे सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूँ, चिट्ठी में अभी भेज दूँगा।